क्या समस्या है? अब कौन हो तुम, कहाँ हो, कैसे हो? बचत कॉलोनी बड़ा गांव जी। क्या परेशानी है? तो गांव का लड़का आता बस्ती का, मेरी बेटी को उठा के लेगा जबरदस्ती, हम आतना के घर है। 14 साल की बेटी है और मतलब घुस भर भी गए थे हम घर में, कोई नहीं है। तो बच्चा है मेरा, तो एक्सीडेंट वाला है, उस पर बैठना जाना उठाऊंगा तो जाते हैं। और पति है सो घर से दिमाग से पागल है। लड़की की उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल। पुलिस में रिपोर्ट हुई? हाँ लड़की रिपोर्ट तो हुई थी, लेकिन दरोगा जी आए थे 3 बजे, 9 बजे रिपोर्ट कराई थी, 3 बजे आए थे शाम को, आके और चले गए। थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके नहीं चले गए। अब जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हमने फ़ोन किया तो रात को लड़के आ गए थे, फिर सर जी में लड़के आ गए हैं, तो बोला सर ने कि हम अभी आ रहे हैं, सर आए नहीं। रात भी फोन किया 2-3 दफ़े, दिन में भी किया है, लेकिन सर आए नहीं। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई नहीं हुई है? तो अब आपका क्या कहना है? ये पीड़ित परिवार है और बड़ी शर्मनाक घटना है। इस तरह से इस वक्त हम सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे हैं और सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग नज़ाकत हो जाएं, लेकिन इस दौरान भी कुछ लोग ऐसी मानसिकता के हो रहे हैं जो सरकार इन पर ध्यान लगाम नहीं लगा रही है। पुलिस प्रशासन भी हाथ पे हाथ रखे कोरोना का एक बहाना लेके, आज देखो ये घटना हमारे क्षेत्र की है कि इस परिवार जाटव समाज से हमारे परिवार की एक बेटी, नाबालिग बेटी है, उसको कुछ गुंडे दबंगई घर में घुसकर माँ के पीछे उस घर में घुस के और उसका ले गए हैं जबरदस्ती अपहरण करके। तो मैं, ये मेरे पास पीड़ित परिवार आया है, अभी मेरी बात हुई है एसओ से, कप्तान से, हमने कहा है कल की घटना है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। उल्टा इनके फ़ोन पर और धमकी दी जा रही है कि अगर थाने पर गई तो तेरी लड़की को, तेरे परिवार को जान से मार। अरे क्यों इतना गुंडे ही अपने आप को क्यों इतना वो कर रहे हैं? तो मैंने, हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी पूरी मदद मैं करूँगी और इनकी बेटी को घर लाऊँगी। और पुलिस प्रशासन से भी ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लॉकडाउन को देखते हुए इनकी भी मदद करें। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।